गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 2.0 में। तो दोस्तों, आज का जो हम लोगों का लेक्चर है वो रिलेटेड है वर्गमूल और घनमूल से, यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से। तो आज इसी के बारे में हम इसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं क्या करूँगा कि इसका बेसिक्स आपको बता दूँगा, जिससे इसके क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने में आपको बहुत ही सुविधा हो जाएगी। तो चलिए, पहले तो मैं क्या करता हूँ कि वर्ग और वर्गमूल इन दोनों के बीच आपको जो है डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि वर्ग क्या होता है। यहाँ देखिएगा वर्ग, और यहाँ मैं समझा दूँगा आपको वर्गमूल। तो सिंपली आप लोग जानते होंगे कि जैसे हम लोगों को कोई संख्या दी गई, मान लीजिए 4 है, और इसका अगर आपसे बोला जाए कि वर्ग निकालिए, तो आप लोग क्या करते थे, इस पर स्क्वायर 2 लगा करके 4 × 4 करके इसका ये कितना आ गया 16। तो आप कहते थे कि जो 4 का वर्ग है वो आपका क्या होगा, 16 है। तो यही आपका वर्ग होता है, ठीक है। अगर कोई आपका दूसरा नंबर दे दिया जाए, जैसे 6 का अगर आपको वर्ग निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, 6 × 6 और ये कितना आ जाएगा आपका 36, ठीक है। तो ये आपका वर्ग कहलाता है। किसी भी संख्या का अगर आपसे वर्ग पूछा जाए, तो आप उस पर पावर 2 लगा करके उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये आपका वर्ग होता है, यानी कि आपका स्क्वायर होता है। अगर आप यहाँ से एक फार्मूला क्रिएट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आपसे अगर वर्ग पूछा जाए, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं एन स्क्वायर। और दोस्तों, जहाँ एन आपका क्या है, दी हुई संख्या है, जैसे कि 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 2 डिजिट की भी हो सकती है, 16 हो सकती है, 26 हो सकती है, और उस पर पावर 2 लगा देंगे, तो हम कहेंगे कि उसका हमें वर्ग निकालना है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब वर्गमूल क्या होता है, यानी कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो अब जैसे हमने 4 का वर्ग किया था, तो क्या आया था, 16 आया था। 6 का वर्ग किया था, तो 36 आया था। तो अगर यहाँ आपसे 16 बोल दिया जाए, यानी 16 बोल दिया जाए, और इसका अगर आपको वर्गमूल निकालना होगा, तो आप क्या करते हैं, इसको करणी के अंदर रखते हैं, यानी रूट के अंदर रखते हैं, ठीक है। वर्गमूल का ये आपका सिंबल होता है, इसको आप याद रखेंगे। अगर किसी की संख्या के ऊपर इस तरीके से ये रूट लगा है, तो आपको उसका क्या होगा, वर्गमूल निकालना होता है। तो 16 का वर्गमूल आपका 4 होता है। अब ये कैसे होता है, ये मैं अभी आपको मेथड बताऊंगा, तो उसके ज़रिए हम लोगों को ये निकालना पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। तो आपको ये समझ में आया होगा कि वर्गमूल क्या होता है। इसी तरीके से आप 36 का निकाल सकते हैं। तो 36 का आपका क्या आएगा, 6 आएगा। जो 36 है वो क्या है, 6 का स्क्वायर है, बट जो 6 है वो 36 का स्क्वायर रूट है, यानी कि वर्गमूल है। तो यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आप याद रखिएगा कि जो 4 है वो क्या है, आपका 16 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। और जो 16 है आपका, वो 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसका क्या है, इसका भी आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, रूट के अंदर एन, ठीक है। एन आपका क्या होगा, जो भी दी हुई संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, एन कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ग और वर्गमूल इन दोनों को समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं घन और घनमूल के बारे में। बहुत ही बेसिक है, आपको पता भी होगा, बट क्या है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है मतलब इस समझने में, तो मैं उनके लिए ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं, तो आप वीडियो भी स्किप कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, घन और घनमूल, यानी कि क्यूब और क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या होता है, अगर इसी तरीके से आपकी संख्या दी गई है, मान लीजिए 4, और इसका अगर आपको क्यूब निकालना है, यानी कि घन निकालना है, तो आप इस पर पावर 3 लगा देते हैं, ठीक है। और इसका बार 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 × 16 = 64 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 4 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 64 होता है। इसी तरीके से आप कोई और संख्या ले सकते हैं, जैसे 6 का अगर आपको क्यूब निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 6, तो कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा, 216। इसी तरीके से आपको अगर 11 का निकालना है, तो इस पर आप पावर 3 लगा दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 11 × 11 और एक बार और 11, जितनी घात होती हैं उतनी बार उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोस्तों आपका आ जाता है 1331, ठीक है। कितना आ जाता है, 1331। तो आप घन समझे होंगे, किसी भी संख्या का अगर आपको घन निकालना होगा, तो उस पर पावर 3 लगा देते हैं, ठीक है। इसका भी आप फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, क्या फार्मूला हो जाएगा, n पर पावर 3, q
क्यूब निकालने का। अगर आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो आप उस पर पावर 3 लगा दीजिएगा, ठीक है। अब ये क्यूब रूट क्या होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट। अब अगर आपको 64 दिया गया है और इसका अगर आपको घनमूल निकालना है, तो इसका आप पहले सिंबल याद रखिएगा। सिंबल जो वर्ग का मैंने बताया था कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन जो घनमूल का होता है दोस्तों, यहाँ आपका 3 लिख करके आता है। क्या आता है? 3 लिख करके आता है, ठीक है। तो अब 64 का आपका क्यूब रूट क्या होगा, तो 64 का आपका होगा 4, ठीक है। 1331 का अगर आपसे पूछा जाए तो इसका भी आप बता देंगे कितना होगा, 11। ये निकालते कैसे हैं मैं अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे निकालना, बहुत ही अच्छे बेसिक तरीके से मैं इसको अभी समझाने वाला हूँ, तो घबराइएगा नहीं, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ में आएगा। तो दोस्तों हम लोगों का 1331 का घनमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आप सिंबल याद रखिएगा, वर्गमूल का क्या होता है, करणी इस तरीके से, और घनमूल में यहाँ आपका 3 लिख करके आता है। अब 3 आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ देखिए जैसे 64 लिखा हुआ है तो आपका करणी के बाहर ऐसा 3 लिख करके आता है, तो ये मल्टीप्लाई में 3 है। बट अगर आपका 3 इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, तो ये क्या है, 64 का आपको क्यूब निकालना है। तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके मेथड बताता हूँ कि आप वर्गमूल और घनमूल जो है कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको भी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्गमूल निकालने की कितनी विधियाँ हैं। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो दोस्तों स्क्वायर रूट को आप 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। जो पहला मेथड है आपका वो होता है गुणनखंड विधि। अंग्रेजी में बोलें तो इसको हम लोग फैक्टर मेथड बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। दोस्तों भाग विधि हम लोग सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद गुणनखंड विधि सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग भाग विधि देखेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, मैं सबसे पहले इसको आपको डिफाइन करता हूँ। तो गुणनखंड विधि में मान लीजिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देख करके बताता हूँ। चलिए मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास 16 है, ठीक है। इसके बाद 16 के बाद हम 400 का देखेंगे, 3600 का देखेंगे, एक और मैं ये दे रहा हूँ 1625। इन सब का अभी हम लोग जो है फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकालना देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 16 का निकाल करके देखते हैं। तो इसको कुछ आपको इस तरीके से कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें भाग देना शुरू करना है। अब भाग कैसे देना है, तो आपको 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, इस तरीके से आपको भाग देकर इसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें 2 का भाग दे करके देखिएगा। जब 2 से आप भाग देंगे तो ये 8 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये आपका 4 बार जाएगा, 2 से भाग जब आप फिर देंगे तो आपका 2 बार जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में जो हम लोगों के ये फैक्टर आते हैं, हम लोग 2-2 के जोड़े बनाते हैं। कितने कितने के जोड़े बनाते हैं, 2-2 के। और जो जोड़ा बनेगा दोस्तों वो सेम नंबर का बनेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपका यहाँ 2 और यहाँ 3 इस तरीके से आ गया, तो देखिएगा जैसे आपका 2 और 3 इस तरीके से आ गया तो ये आपका जोड़ा नहीं कहलाएगा। जोड़ा आपका सेम नंबर का होना चाहिए, ठीक है। तो एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा, एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा, और प्रत्येक जोड़े से आपका एक नंबर बाहर आता है। तो इस एक जोड़े से आपका 2 बाहर आ जाएगा, इस एक जोड़े से आपका 2 बाहर आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, 4। यानी कि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। कितने स्टेप फॉलो करें हमने, सबसे पहले इसको इस तरीके से बनाया, उसके बाद हमने क्या करा, 2 से आगे बढ़ते हुए क्रम में इसमें भाग दिया। भाग देने के बाद हमने क्या करा, 2-2 के जोड़े बनाए, और प्रत्येक जोड़े से एक नंबर को बाहर कर लिया, और उसके बाद क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा दिया गया 400। तो इसमें भी आपको 2 से भाग देना, जब 2 से भाग देंगे तो ये कितना जाएगा, 2×2=4, और 0 आपका आ जाएगा। जब फिर 2 से देंगे तो ये आपका 100 टाइम जाएगा, 2 से फिर देंगे तो ये 50,
दो से फिर देंगे तो ये 25। अब देखिए, अब अगर आपका दो का भाग नहीं जाता तो आप आगे बढ़िए, तीन से दीजिए। अब जब आप इसका इसमें तीन का भाग देंगे तो आपका वो भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कितने का देना पड़ेगा, फाइव का। फाइव का देंगे तो फाइव टाइम जाएगा और फाइव से फिर एक बार जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जोड़े बनाना है। तो जोड़े बनाइएगा सेम नंबर का, तो एक जोड़ा आपका ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। यहाँ से आपका दो बाहर निकल आएगा, यहाँ से दो बाहर निकल आएगा और यहाँ से फाइव बाहर निकल आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पाँच दूना दस और दस दूना बीस हो गया। कितना आ गया, 20। यानी आप बोल सकते हैं कि 400 का जो क्यूब स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 20 होता है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया 3600, ठीक है। तो 3600 में हम लोग भाग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप दो से देखिएगा, तो दो से ये 18 बार जाएगा और ये दो जीरो आ जाएगा। दो से फिर देंगे तो ये 9 बार जाएगा, दो जीरो आ जाएगा। अब इसके बाद आप फिर दो से देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 45 और ज़ीरो आ जाएगा। दो से फिर देंगे तो ये दो दूना चार और ये 25 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा दो का आपका भाग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट जो इकाई का डिजिट है वो आपका विषम हो गया, तो आप दो का भाग नहीं जाएगा। अब आप यहाँ तीन का भाग देकर देखिएगा, तो जब तीन से भाग आप देंगे तो यहाँ आएगा 3 7 21, देन एक बचा तो ये 15 हो गया, यानी 3 + 15 75 हो गया। अब फिर तीन से दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 + 6 = 15। अब आपका बचा 25। अब यहाँ आपको देना पड़ेगा 5 से और 5 का एक बार और जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दो दो के आपको पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर आपका ये बन जाएगा, एक पेयर आपका ये बन जाएगा और दोस्तों एक पेयर आपका ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा। तो यहाँ से आपका एक दो बाहर निकल आएगा, यहाँ से आपका एक दो बाहर निकल आएगा, यहाँ से आपका 3 बाहर निकल आएगा और यहाँ से आपका 5 बाहर निकल आएगा। देन इन सभी का मल्टीप्लाई भी आपको करना है, ठीक है। तो इन सभी का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60। यानी कि 60 का स्क्वायर आपका 3600 होता है और 3600 का स्क्वायर रूट आपका 60 होता है, ठीक है। चले अब देखेंगे आप अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल आपका दिया गया 1625, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1625, ठीक है। तो इसको भी कुछ आप इस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ से देखिए, स्टार्टिंग में ही जो आपका इकाई का अंक है वो विषम दे दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, आप दो का भाग तो दे नहीं सकते, तो आप तीन का दे करके देखेंगे। तो यहाँ से जाएगा 3 + 15, ठीक है, 3 + 15 और एक बचेगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, 3 × 12, देन यहाँ 5 है तो 3 का जाएगा ही नहीं, तो आपका यहाँ 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 का देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 × 3 = 15, ठीक है, एक बचा तो यहाँ हो जाएगा 12, यानी 5 × 2 = 10 और उसके बाद आपका बचा 2, तो यहाँ हो जाएगा 25, यानी 5 आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। देन आप फिर से यहाँ 5 का भाग देंगे तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 बचेगा, ठीक है दोस्तों। कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ आपका 25 हो गया, तो ये 5 आ गया, यानी 65 बार गया ये आपका, ठीक है। अब आप 5 से फिर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 5 और 5 × 3 = 15, क्योंकि 13 × 5 = 65 ही तो होता है। अब यहाँ बस गया 13, तो अब आप 13 से भाग दे दीजिएगा तो एक बार जाएगा। अब आप यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपका एक जोड़ा तो ये बन जाएगा, अब यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ जो जोड़ा बना उसको आप बाहर रख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपका जोड़ा नहीं बना जिन संख्याओं को, उनको आपको करणी के अंदर ही रखना है, यानी कि 5 × 13, तो कितना हो जाएगा, 5√, यहाँ से कितना हो जाएगा, 65, ठीक है, 13 × 5 = 65 होता है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से रखना है। अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको भी कैसे निकालेंगे मैं अगले वीडियो में ट्रिक के माध्यम से जो है बताऊंगा आपको, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और ये मेथड आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आने चाहिए ये मेथड, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको ये बनने चाहिए, वरना ये एग्ज़ाम में इस मेथड से आप बिल्कुल भी ना निकालें। और इसके जो है मैं ट्रिक आपको अपलोड करूँगा, ठीक है, तो उसको आप देखिएगा। तो ये मैंने आपको बताई है दोस्तों गुणनखंड विधि, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग अपनी भाग विधि को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगली मेथड जो हम लोग थी भाग विधि, ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे वे में समझिएगा। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। इसमें आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं,
तो उनको मैं बहुत बारीकी से बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ 324 का। ये दोस्तों सारे के सारे मैं अभी आपको परफेक्ट स्क्वायर बता रहा हूँ, मतलब जिसका पूरा पूरा आपका स्क्वायर रूट निकल करके आता है, ठीक है। तो ये मैंने पहला एग्जाम्पल आपके सामने ले लिया, और सेकंड एग्जाम्पल मैं अगर आपके सामने रखूँ, मान लीजिए 625 ले लिया मैंने। अब इनका आपको क्या करना है, भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। किस विधि से, भाग विधि से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस करणी की संख्या को आप ऐसे रख लीजिएगा 324, और ये करणी आप बड़ा सा लगाइए ऐसे, ठीक है, ऐसे। इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आप याद रखिएगा कि आपको पीछे से जो है दो दो के जोड़े बनाने हैं। क्या करना है, पीछे से दो दो के आपको जोड़े बनाने हैं, ये आप पहला स्टेप याद रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से जब जोड़े बनाएंगे तो आपका तो यहाँ तो एक ही जोड़ा बनेगा, एक रंग एक संख्या जो अकेली रहेगी, तो चलिए इसको अकेला रहने देते। यहाँ भी आपका एक जोड़ा बनेगा, यहाँ एक संख्या आपकी अकेली रहेगी, तो चलिए रहने देते हैं। तो आप पहले एग्जाम्पल को आप समझिएगा, यहाँ आपको क्या करना है कि पहला स्टेप आपने फॉलो करा, दो दो के जोड़े बनाए, और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि कोई संख्या है जैसे एक से आगे बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि हम लोग गुणनखंड विधि में भाग देते थे, तो उसी तरीके से एक से आगे बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, जो संख्या यहाँ है, ठीक है, तो इस संख्या में ऐसी संख्या का आपका स्क्वायर रखना है कि इस संख्या से ज़्यादा ना होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ऐसी संख्या के स्क्वायर से इसमें स्क्वायर आपको यहाँ रखना है कि इस संख्या से ज़्यादा ना होना चाहिए। अगर यहाँ आप किसी संख्या का स्क्वायर रख रहे हैं तो इस 6 से ज़्यादा ना होना चाहिए। 6 के बराबर हो सकता है, यहाँ 3 के बराबर हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 1 का स्क्वायर रखेंगे तो आपका 1 आएगा, यानी आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। अगर आप 2 का स्क्वायर रखेंगे तो 4 आएगा, यानी आप यहाँ नहीं रख सकते, अब 3 से ज़्यादा हो गया, बट आप 2 का स्क्वायर यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले एग्जाम्पल को लेकर के चल रहा हूँ, तो मैं इसको आपको पहले बताता हूँ। तो यहाँ आपको किसका स्क्वायर रखना पड़ेगा, 1 का, क्योंकि 2 का रखेंगे तो 4 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 1 का स्क्वायर जब रखेंगे तो 1 आपको यहाँ लिखना है, 1 आपको यहाँ लिखना है, और कितना आया है यहाँ, 1, ठीक है। तो 1 आप यहाँ लिख देंगे, देन इसके बाद इससे आपको घटा देना, तो 3 में से जब 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, और यहाँ आपका ये आ जाएगा, जोड़े के रूप में ही आएगा, तो आपका 24 आ जाएगा, यानी 224। अब उसके बाद क्या करना, जितने टाइम भाग जाता है आपका यहाँ, जितने टाइम आपका आपका भाग जाएगा वो आप इसमें ऐड करेंगे। तो इसको आपने यहाँ ऐड करा तो 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 का भाग आपको देना है 224 में। 2 का भाग कितने में देना है, 224 में। तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 का भाग तो हम 20 बार दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो 2 का भाग 224 में देना है। तो अब आप यहाँ थर्ड पॉइंट याद रखेंगे कि अगर 2 का भाग मान लीजिए आप 1 बार दे रहे हैं, तो इस 2 के साइड में आपको 1 लिखना है, देन इसमें 1 का मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है, ठीक है। अगर इस 2 का भाग आप इस पूरे में 2 बार दे रहे हैं तो 2 तो आपका है, ये 2 लिख देंगे, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 2 इसके साइड में लिख दिया आपने, और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी 22 दूना 44 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मैंने इतना आपको बता दिया, ठीक है। तो अब आप 2 बार जब आपने देखा तो 44 आया, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। तो ये समथिंग कितनी बार जाएगा, देखिए ये आप 7 या 8 बार दे करके देखिएगा इसमें। तो अगर आप 7 बार रखेंगे तो 7 बार देंगे तो 7 आपको 2 के साइड में रखना है, देन 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो 37 49 का आपका 9 हो जाएगा, हासिल 4 आ जाएगा, 7 दूना 14 4 18, 189। अभी किस 224 से तो कम आ रहा है, तो अभी 8 बार दे करके देखते हैं, ठीक है। तो 2 का भाग जब हम 8 बार देंगे इसमें, तो 2 के साइड में भी 8 लिखना पड़ेगा, और 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब देखिए 8 8 64 का 4, और हासिल आपका 6 आ जाएगा, 8 दूना 16 और 6 22। तो देखिए तो फिक्स ही आ गया 224। तो कितनी बार दिया था आपने, 8 बार, तो 8 तो आपको इसको साइड में लिखना है, और 8 आपको यहाँ भी लिखना है, और मल्टीप्लाई पर कितना है 224, तो 224 आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ घटाएंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा, और इस 8 को जब इस 8 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा।
और जब 36 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो आप क्या समझे, जो आपका यहाँ आपका भागफल आया कितना आया, 18, ठीक है। तो वो 324 का आपका स्क्वायर रूट होगा। ये आपकी भाग विधि से निकालने का तरीका है, ठीक है। तो आई होप आपको 10-20% भी समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल सेकंड को मैं समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल सेकंड में भी आपने पहला स्टेप फॉलो कर लिया, क्या कि 2 का जोड़ा बना लिया। उसके बाद बची हुई संख्या आपकी 6 है, तो 6 में भी आपको ऐसी संख्या का स्क्वायर रखना है कि 6 से ज़्यादा ना होना चाहिए। तो अगर आप 1 का रखेंगे तो 6 से बहुत कम है अभी। 2 का जब रखेंगे तो 4 आएगा, ये भी 6 से कम है। चलिए 3 का देखते हैं। तो 3 का जब आप रखेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये 6 से आगे निकल जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर आप 4 रख सकते हैं। तो 2 आपको यहाँ रखना है, 2 आपको यहाँ रखना है, और ये 4 नीचे आ जाएगा। इसके बाद मैंने बताया 2 को इसमें जोड़ेंगे, जितनी टाइम आपने भाग दिया वो जोड़ेंगे, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अब 6 में से 4 को आपको घटाना है और ये डिजिट आपको यहाँ उतार देना है, ठीक है। तो 225 हो गया। अब 4 का भाग आपको 225 में देना है। अगर आप एक बार भाग देंगे तो इसके साइड में 1 लिखेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझे आप बात को। 2 बार अगर भाग दे रहे हैं तो 2 को इसके साइड में लिखेंगे, 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब आप इसमें सीधा भाग तो दे नहीं सकते, लेकिन आप यहाँ एक ट्रिक लगाइए, क्या कि जब 4 का भाग सपोज करके देखेंगे कि कितनी बार जा सकता है, तो आप ये इसका एक डिजिट काट दीजिएगा, मान लीजिए 22 है। अब 4 का भाग दे के देखिए कितनी टाइम जाएगा, तो आपका 5 बार जाएगा। तो समझ जाइएगा कि 4 में 5 यहाँ लिखना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक डिजिट आगे पीछे हो सकता है यहाँ, लेकिन हो सकता है फिक्स भी आ जाए। तो देखिए 25 आ गया, हासिल 2 पंचों को 20 और 2 22 हो गया। तो देखिए 25 फिक्स टू फिक्स आ गया, कितने टाइम, 5 टाइम में। तो 5 यहाँ लिखना है, 5 यहाँ लिखना है, मल्टीप्लाई पर कितना आ गया, 225। घटाएंगे तो 0 0 आ जाएगा, 5 को इसमें जोड़ना भी है, तो 45 और 5 50 हो गया। इसमें भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो आप क्या समझे कि 625 का जो आपका स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सामने लिए थे 3 डिजिट वाले, अब मैं आपके सामने 4 डिजिट वाले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिएगा 1024 है आपके सामने, एक और मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे है 7225, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। तो क्या सबसे पहला स्टेप आपका है, 2-2 के जोड़े बनाना। तो यहाँ एक जोड़ा बन गया, यहाँ एक जोड़ा बन गया, यहाँ भी एक जोड़ा बन जाएगा, यहाँ भी एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप अब क्या आएगा कि अब यहाँ तो कोई संख्या बची ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आपको फिर जोड़ा पकड़ना है। अब जोड़े में आपको ऐसी संख्या का क्या करना है, स्क्वायर रखना है कि इससे ज़्यादा ना हो। तो अगर आप 1 का स्क्वायर रखेंगे तो 1 10 से बहुत ही कम है, 2 का स्क्वायर रखेंगे 4 वो भी अभी आपका 10 से बहुत ही कम है, 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 9 ये थोड़ा पास आया, 4 का देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16, ये तो बहुत ज़्यादा निकल गया। तो किसका रखेंगे, 3 का स्क्वायर रखेंगे। तो पहले आप इसको ऐसे रख लीजिएगा, कितनी बार आपका रखना था, ये 3 टाइम रखना था। तो 3 आप यहाँ रखेंगे और 3 आप यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई पर कितना आया, 9। अब 10 में से जब आपका 9 जाएगा तो बचेगा 1, ये डिजिट आपका नीचे आएगा, ठीक है। ये 2 डिजिट बने थे आपके, तो ये 24 नीचे आ जाएगा। देन आपको 6 इसमें जोड़ना भी है, तो 3 को जब जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, इतना आप समझे। अब 6 का भाग कितने में देना है, 124 में। तो ये कितने टाइम जाएगा, तो आप 60 बार होता, 60 से नीचे होता तब तो देख लेते दे करके, बट मैंने अभी आपको यहाँ एक बताया था कि लास्ट का आपको डिजिट काट देना और उसके बाद इसका इसमें भाग दे करके देखना है। तो अगर आप 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि 6 और उसका भाग जब हम 2 बार दे रहे हैं तो 2 को साइड में भी लिखेंगे, देन 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 12, यानी 124। तो ये तो फिक्स आ गया, कितनी बार में, 2 बार में। तो 2 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, 124 यहाँ लिख देना है, और प्लस 2 कर देंगे तो ये 64 हो जाएगा, और ये तो 0 0 हो ही गया। तो 1024 का आपका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 32। ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं 7225 का। तो इसमें आपने पहले से जोड़े बना रखे हैं,
आप कुछ इस तरीके से इसको रख लीजिएगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। बट अगर डिसलाइक की जगह आप जो भी इसमें मतलब कमी है अगर वो एक कमेंट के थ्रू आप बताएंगे तो हम उसमें सुधार भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को डिसलाइक करने की बजाय जो भी कमी आपको दिखे प्लीज़ कमेंट के थ्रू हमें हमारे यहाँ तक पहुँचाने की जो है कोशिश करें आप, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो आप ज़रूर करें। तो आपका दो दो का जोड़ा बनाना था तो बना लिया आपने, इसके बाद क्या करना है जोड़ा। अब यहाँ तो डिजिट बचा ही नहीं है तो अब क्या आप ये डिजिट लेंगे 72। अब इसके बाद क्या करना है संख्या का स्क्वायर रख करके देखना है। अब यहाँ 72 आ गया, तो ये तो मैंने बेसिक्स बताया था एक से लेकर दो, दो से तीन, बट आप सपोज कर सकते हैं, ठीक है। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ठीक है, और 7 का 49। यानी 6 का स्क्वायर रखेंगे तो 36 और 7 का रखेंगे तो 49, कितना हो जाएगा 49, ठीक है। 8 का रखेंगे तो 64 और 9 का रखेंगे तो 81 हो जाएगा। तो यानी कि आपका 72 किस में 8 के रखने पर आ जाएगा, 9 का रखेंगे तो 81 इससे ज़्यादा निकल जाएगा, समझे आप इस बात को। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 8 का रख करके देखना है। तो 8 आप यहाँ रख देंगे, 8 यहाँ रख देंगे, देन 8 आप जोड़ेंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। और जब 8 आपने रखा तो 64 आ गया, इसके बाद आपको घटा देना है तो 12 में से 4 जाएगा तो आप 8 आएगा। अब दोस्तों थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है। तो 12 में से जब आपका 4 जाएगा तो 8 और 6 से 6 जाएगा तो 0, ये डिजिट आपका यहाँ आ जाएगा यानी 25। अब 16 का भाग आपका 825 में देने का है। तो अब क्या करेंगे आपसे मैंने वही बात बताई थी कि लास्ट डिजिट काट दीजिए, उसके बाद बची हुई संख्या में यहाँ से भाग देकर देखिए। तो 16 का भाग जब 82 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16×5 = 80 यानी 5 टाइम। तो 16 में आपको 5 यहाँ लिखना पड़ेगा, देन 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5×25 = 5 आ जाएगा, हासिल 2 लग जाएगा। और 5×30 = 32 आ जाएगा, हासिल 3 लग जाएगा। 5×5 = 3, 8, तो 825 ये भी फिक्स चला गया, ठीक है। तो कितनी बार गया था 5 टाइम, तो 5 आप यहाँ लिखेंगे, 5 आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा आपका 825। देन इसके बाद आपको घटाएंगे तो ये तो 0 0 हो जाएगा और 5 इसमें आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 और 5 = 10, हासिल 1, तो 7 = 170, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि 7225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हम लोगों का 85 होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में इतना आया होगा। अब मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जिसको आपको खुद से करना है, ठीक है। तो पहला है दोस्तों आपका 3136, इसको आपको खुद से निकालना है। और दूसरा आपका 7225, इसको आपको खुद से कोशिश करनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्यूब रूट निकालने की जो मेथड है वो, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक मेथड ही पढ़ेंगे, फैक्टर मेथड, ठीक है। वो क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए देखिए। ठीक है, घनमूल निकालने की हम लोग एक ही मेथड पढ़ेंगे, वो है गुणनखंड विधि यानी फैक्टर। तो अब हम लोग जब वर्गमूल निकालते थे गुणनखंड विधि से तो दो दो के जोड़े बनाते थे, बट इसमें सीधा है कि तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, बस इतना सा इसमें अंतर है। तो चलिए मैं पहला एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ 64, उसके बाद मान लीजिए जैसे ये 1331 है। तो आप यहाँ से देखिए 64 का जब आप निकालेंगे तो आपको सबसे पहले 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से देंगे तो ये 3 बार जाएगा, 2×3 = 6, 2×2 = 4 हो जाएगा, 2 से देंगे तो 16 हो जाएगा और 2 से देंगे तो 8 बार जाएगा, 2 से देंगे तो 4 टाइम जाएगा, 2 से देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 से जब फिर देंगे तो 1 बार। अब मैंने यहाँ क्या बताया, तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। जोड़े कितने के बनाने हैं दोस्तों, तीन तीन के जोड़े बनाना है। तो एक जोड़ा आपका ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और प्रत्येक जोड़े से आपका एक नंबर बाहर आता है। तो 2 आपका यहाँ से आ जाएगा, 2 आपका यहाँ से आ जाएगा, देन इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4। यानी 4 का इस क्यूब क्या होता है 64 होता है और 64 का क्यूब रूट आपका 4 होता है, आए समझ में बात। अब यहाँ आपका 1331 का देखिएगा, आपका क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ 2 से भाग तो दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ विषम संख्या है, ठीक है। तो आप 3 का भाग देकर देखिएगा, तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3×12, 1×3×12 यहाँ 11 नहीं जाएगा। 3 के बाद आप 5 का तो जाएगा ही नहीं, 7 का देखिए,
तो 7 × 7 होगा, 7 × 6 = 13। चलो ये 7 का भी नहीं जाएगा इसमें, 8 का तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 का जब नहीं गया, 9 का भी नहीं जाएगा क्योंकि जब 3 का नहीं गया, 10 का तो जाएगा ही नहीं, 2 का भी नहीं गया। चलिए 11 का देखते हैं, तो 11 × 1 = 11 हो जाएगा, 11 चलो 11 का यहाँ जा रहा है, देखिए तो यहाँ आ जाएगा 11 × 1 = 11। इस 13 में जब हमने 11 का भाग दिया तो एक बार गया तो 11 × 1 = 11 हो गया, अब बचा 2 है ना, 23 हो जाएगा, तो 11 × 2 = 22, लेकिन 23 था तो एक बचा है, यहाँ 11 और बचा हुआ तो 1, और 121 तो ये भी 11 का क्या है, 11 का इसमें भाग जाएगा आपका, तो 11 × 1 = 11 और 1 12 से बची हुई तो यहाँ 11 बार जाएगा, 11 से फिर दीजिए तो एक बार, तो यहाँ एक ही जोड़ा बचा हुआ बना हुआ है तो आपका क्या है, एक ही 11 बाहर निकलेगा, ये आप समझे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए मैं एक और आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेकर के बताता हूँ, यहाँ आपके सामने है 13 × 824। अब इसका आप पहले आप खुद से करिएगा, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आपका यहाँ 4 दिख गया यानी सम संख्या है, तो 2 से तो भाग जाएगा ही, तो देखिएगा 2 × 6 = 12 हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12, और यहाँ से 1 बचेगा तो 2 × 9 = 18 हो जाएगा, और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप यहाँ 2 का फिर देंगे तो 2 × 6 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाएगा आपका, और यहाँ 11 तो 2 × 5 = 10, और 2 × 6 = 12। इसके बाद 2 से फिर देंगे, ठीक है, आपको अगर भाग देना आता है तो बहुत ईजी है, ठीक है, 2 × 1 = 2 हो जाएगा आपका। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ से 1 आपका फिर से बचा तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और 2 × 8 = 16 हो जाएगा। इसके बाद 2 से फिर देखिएगा तो आपका 2 × 8 = 16 हो जाएगा, 1 बचा तो 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 हो जाएगा। 2 से फिर दिया तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 2 × 3 = 6, और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब 2 से फिर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ठीक है, और ये 16। 2 से फिर दिया तो 2 × 2 = 2। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, बहुत से बच्चे यहाँ पर 2 × 2 और 2 × 8 = 16 कर देंगे, 2 × 2 और 2 × 8 = 16 कर देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं करना है, 2 × 2 बट फिर उसके बाद हम 1 में भाग देंगे, किस में दोस्तों, 1 में भाग देंगे, तो हमारा 2 का भाग जो है 1 में नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाता तो हम 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो हमें 2 डिजिट मिल जाते हैं, यानी 16 हो गया। अब 2 का भाग आप 16 में दे सकते हैं, 2 × 8 = 16, ठीक है दोस्तों, नॉइज़ हो रहा है उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज यहीं से रेलवे लाइन निकली हुई है तो बहुत शोर होता है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। चलिए देखिए आगे, आप 2 से फिर से भाग दीजिएगा, तो 2 से जब आप भाग देंगे तो यहाँ से 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 2 × 4 = 8। 2 से फिर से भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 27 × 2 = 54 होता है। अब यहाँ 3 का भाग जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 9 = 27। 3 से फिर भाग देंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो आपका 1 टाइम जाएगा, तो ये कितना लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ जोड़े बनाइए, तो 1 जोड़ा आपका ये बन गया 3 3 का, 1 जोड़ा आपका ये बन गया, 1 जोड़ा ये बन गया, और 1 जोड़ा ये बन गया। यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, और यहाँ से 3 निकल जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 × 2 = 4 × 8, और 8 × 3 = 24, यानी 24 का क्यूब जो होता है आपका कितना होता है, 13 × 824 होता है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर करना, ठीक है, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक बहुत ज़रूरी है करना, क्या है कि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो को बनाने में, ठीक है, तो आशा है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं, ठीक है। ये मैंने बेसिक्स वीडियो बनाया था, अब जो क्वेश्चन है वो मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा वर्गमूल और घनमूल के, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।